देश भर में बढ़ रहे छेड़छाड़ और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को देखते हुए गरियाबंद की युवतियों एवं महिलाओं को पुलिस विभाग कराटे सिखा रहा है। महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए जिले के SP MR आहिरे ने विशेष पहल करते हुए निःशुल्क कराटे एवं आत्मरक्षा शिविर महिलाओं के लिए आयोजित करवाया। सुबह से इस शिविर का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय की युवतियाँ, स्कूली छात्राएं महिलाओं को प्रशिक्षण देने, खासतौर पर कराटे शिक्षक बरखा राजपूत और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली बालिका पदमलता यादव गरियाबंद पहुंची। गरियाबंद की महिलाएं एवं युवतियां जल्द ही विपरीत परिस्थितियों में आत्मरक्षा ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षा कर पाएंगी। कराटे शिक्षक इन युवतियों को कराटे के साथ साथ उनके पास उपलब्ध छोटी छोटी चीजें जैसे पेन, रुमाल, पिन आदि के प्रभावी उपयोग से छेड़छाड़, विवाद, अपहरण तक के प्रयास जैसी विपरीत परिस्थितियों में परेशान करने वाले को पस्त करने की टेक्निक सिखा रही हैं। आगामी 7 दिनों तक रोजाना सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पुलिस लाइन मैदान में यह प्रशिक्षण जारी रहेगा। शिविर के पहले दिन ही बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं के अलावा नगर की युवतियां, महिलाएं, कई शासकीय कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों सहित परिवारजन शामिल हुए। यहां पे हम SP सर के बुलावे पे आए हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। यहां पे नगर की लड़कियों को और स्कूली छात्रा हॉस्टल सभी लड़कियों को हम सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते हैं और उसको हम ट्रेनिंग के माध्यम से बताएंगे। जैसे लड़कियां डेली यूज के लिए जो भी चीज़ यूज करती है, दुपट्टा और पर्स, सैंडल, हेड क्लिप और हेडबैंड, चैन, ये सब वगैरह सभी हम यूज करना सिखाएंगे कि विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को दुर्घटनाओं से कैसे बचा सकते हैं। क्या दुर्घटना? जैसे कि रेप, छेड़छाड़, बसों में जाने के टाइम भीड़ में हमारे साथ छेड़छाड़ होता है और हमारे लूटपाट हो जाता है, पर्स चोरी हो जाती है, ये सब चीज़ से हम बचाना सिखाएंगे। कैसे बचाते हैं? जैसे कि पर्स कोई छीन के जा रहा है तो हम अपना पर्स का इस्तेमाल करके ही उसे परास्त कर सकते हैं, उसको उठा के पटक भी सकते हैं। स्कार्फ यूज करके हम उसका गला दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं और बॉडी वेपन की तरह हम यूज करना सिखाएंगे। बॉडी को मतलब वेपन की तरह यूज करेंगे। क्या होगा इससे? जितनी भी लड़कियां बाहर जाना चाहती हैं या फिर अपने घर से दूर पढ़ने लिखने आती है, कुछ भी अगर करना चाहती है तो वो डरेंगी नहीं कहीं भी आने जाने से और बेझिझक निडर होके कहीं पे भी आना जाना कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। और कराटे क्या कर सकती है? कराटे में सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगी मैं और सभी चीजों का यूज करना सिखाऊंगी, चाप, फाइट भी सिखाऊंगी और सब चीज। किसके बुलावे पे कितना दिन क्या करेंगे? ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे बुलावा आया था, इन्विटेशन था और उन्हीं के हेल्प से ये सब चीज होगा। SP सर, आहिरे सर, पुलिस विभाग के द्वारा ये जिला पुलिस गरियाबंद के माध्यम से एक महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं में और बच्चियों में आत्म सुरक्षा के भाव जागृत करने के लिए और उनको आत्म सुरक्षा के लिए एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम गरियाबंद पुलिस की तरफ से रखा गया है। इससे महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार में कमी आएगी और महिलाएँ जागरूक होंगी और बच्चियों को आत्म सुरक्षा के गुर मिलने से वो कहीं पर भी जाने से डरेंगे, घबराएंगे नहीं। जिस ढंग से लगातार महिलाओं पर, बच्चियों पर शोषण हो रहा है और उनके ऊपर लैंगिक अपराध या विभिन्न प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं, उसमें कमी लाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। भविष्य में पुलिस को कम परेशानी हो इसलिए मानते हैं? पुलिस की कमी वाला नहीं, महिलाओं के बीच में और समाज में एक जागरूकता पैदा हो और महिलाएं किसी परिस्थितियों से घबराएं, डरे मत, उनके मन में एक आत्म सुरक्षा के भाव जागृत होना चाहिए। इससे महिलाएं सशक्त भी होंगी और इससे समाज का निर्माण भी होगा और समाज संगठित होगा। ये इसमें जूडो कराटे का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसमें आत्म सुरक्षा के लिए और जो विभिन्न टेक्निक है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। कौन कौन शामिल होंगे, क्या? इसमें किसी भी प्रकार के उम्र का बंधन नहीं है, इसके लिए बच्चियाँ भी हैं, हाउसवाइफ भी आ सकती हैं, बच्चे और बालिकाएं भी, स्कूली कॉलेज जाने वाले, स्कूल कॉलेज जाने वाले सभी महिलाएं शामिल इसमें हो सकती हैं, उम्र का बंधन नहीं है। लास्ट में जितना सीखेंगे उनका हम एक प्रदर्शन यहाँ पे करवाएंगे, लास्ट में जिसे समापन होगा कितना सीखे हैं इनके, उसको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए एक लास्ट में प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। ये 1 सप्ताह का निःशुल्क प्रशिक्षण है, किसी प्रकार का किसी को कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं और निःशुल्क आके यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।